आजकल सरकार के आगे कुछ रह सकता है? अगर सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, और वो ना चाहे तो कुछ भी नहीं होएगा। देखिए जी, ये आस्था का केंद्र है हम सनातनियों का, समथिंग या 50-60 ईयर्स पुराना मंदिर है, और कोई नोटिस हमारे पास नहीं आया अभी तक हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। समथिंग ये 6 महीना पहले आए थे, तो जहाँ पर आप खड़े हैं इस समय, यहीं पर यहाँ से अंदर के मंदिर का कोई किसी प्रकार का क्षति करने का इनका मूड नहीं था। ये बाहर के नोटिस दिए थे कि पंडित जी बाहर के जो आपके औषधि इत्यादि हैं इसको हम नष्ट कर देंगे। तो मैं बोला कोई बात नहीं, औषधि आप नष्ट कर देंगे, हम कहीं दूसरे जहाँ औषधि कर लेंगे, और मंदिर से आपका कोई छेड़छाड़ी हम नहीं करेंगे। हमने बोला ठीक है। सुबह सुबह अचानक ऐसा इन्होंने कर्म किया कि सुबह सुबह 5 बजे से फोर्सेस, दिल्ली पुलिस के जवान, DCP, SCP और पैरामिलिट्री फोर्सेस आने लगे, और आने के बाद सुबह सुबह बोल रहे हैं 8 बजे समथिंग कि पंडित जी मंदिर खाली कर दीजिए और हम मंदिर को ध्वस्त करेंगे। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती है, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती है। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। मंदिर के लिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम लोग की आस्था का केंद्र है, हमारे इसमें भगवान जी हैं, 40-50 साल पुराना मंदिर है, हम मंदिर को ठीक है यहाँ से हटाना नहीं चाहते हैं, और हम मंदिर के अलावा यहाँ पर कोई किसी प्रकार का अवैध कब्जा भी नहीं करना चाहते हैं। हमें सिर्फ मंदिर चाहिए, हम भगवान के लिए आराधना उपासना करेंगे, हमें मंदिर चाहिए। सरकार से मैं निवेदन करते हैं। थाना गांधीनगर इलाके में ये आप देख रहे हैं गीता कॉलोनी शमशान घाट के थोड़ा ही आगे श्री श्याम बाबा मंदिर ठोकर नंबर 18 की तस्वीर, जहां आज सुबह से डेमोलिशन चल रहा है। तमाम पुलिस फोर्स की मौजूदगी है, पैरामिलिट्री की मौजूदगी है, आर्म्ड फोर्सेस की मौजूदगी में पूरी तरीके से डेमोलिशन की कार्रवाई इस टाइम की जा रही है। मैं आपको दिखा दूं, पुलिस फोर्स पूरी तरह से तैनात है। ये बताया जाता है कि ये 1957 से पहले का मंदिर है, और सुबह यहाँ पर बाकायदा पूजा अर्चना की गई, आरती की गई थी, और फिर पूरे परंपरागत तरीके से उन मूर्तियों को, ताकि खंडित ना हो सकें, उसके लिए पहले ही हटा दिया गया था। तमाम पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद है, CRPF के जवान हैं, और इसको क्योंकि लगातार कोशिश इस बात की कर रहे थे कि किसी तरीके से इससे आ जाए, रुकाया जाए, लेकिन फिर वही कोर्ट का ऑर्डर था, और कोर्ट के ऑर्डर के बाद में इसको जो आप देख रहे हैं पूरी तरीके से जवानों की तैनाती के बीच में डेमोलिशन की जो कार्रवाई है वो मुसलसल की जा रही है। पुलिस के सीनियर अधिकारी भी मौजूद हैं। ये मैं आपको दिखा दूं, यहाँ से जाने का जो रास्ता है वो इस तरफ से है, और अंदर पूरा एक धाम भी है। मंदिर 1957 जैसे मैंने आपको बताया उस वक्त से लेके अभी तक का है। बुलडोजर्स वगैरह तमाम सब बुलाए गए थे। ये जमुना खादर का इलाका कहलाया जाता है। ये आप लोग जो स्टाफ देख रहे हैं, ये पुलिस फोर्स सुबह से लगा दी गई थी। पहले ही मंदिर का जो मैनेजमेंट कमेटी है उनको बता दिया गया था कि आज का दिन जो है वो डेमोलिशन के लिए रखा गया है। तस्वीरों में जो आप बुलडोज़र चलते हुए देख रहे हैं, ये सुबह की तस्वीर है, तकरीबन 9:30-10 बजे के आसपास फॉलन हुआ, और उसके बाद फिर जैसे मैंने आपको बताया कि आर्म पुलिस को, CRPF वगैरह को, रिजर्व कंपनीज़ को बुला करके लगाया गया, और यहाँ के जो आसपास के रहने वाले हैं, जो यहाँ के जो श्रद्धालु हैं, जो लोग यहाँ आते हैं, उनको रोका है पैरामिलिट्री फोर्स ने, क्योंकि लोग अंदर जाना चाहते थे, उनको उनकी किसी तरीके से एंट्री नहीं हो सके। ट्रैफिक जो आप आते हुए देख रहे हैं इसको सुबह में कुछ घंटों के लिए रोका गया था। मंदिर का आज क्योंकि डेमोलिशन था, उसके पेश नज़र एहतियात के तौर पर ट्रैफिक को रोका था। ये आप गीता कॉलोनी की तरफ से आता हुआ जो ट्रैफिक है उसको देख रहे हैं। बाद में थोड़ी ही देर बाद उसको खोल दिया गया था। अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्स की कई कंपनियों को यहाँ पर लगाया गया था, लेकिन जिस तरह मैं आपसे बता रहा हूँ कि शांतिपूर्वक तरीके से पूरे हालात को देखते हुए लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर के मंदिर का डेमोलिशन आज कराया गया। ये श्री श्याम खाटू महाराज का मंदिर है, अंदर की तरफ देखें, और ये जमुना है, लेफ्ट राइट साइड मेरे देखें तो ये जमुना की तरफ का जाने वाला रास्ता है, जिसको कि पूरी तरीके से पुलिस के बताने के बाद ये जाने का जो रास्ता है, दोनों साइड पे यहाँ मंदिर के जाने के लिए श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर फूल और जितना भी पूजा की सामग्री सामान मिलता है सब वो मिला करता था। इस वक्त फ़िलहाल सब कुछ हटा दिया गया है। जो खोंचे वगैरह सब बनाए गए थे वो पहले थे, अब फ़िलहाल सब हटा है, और जो सामने अभी बुलडोज़र है, पुलिस फोर्स के अंदर पूरी तरह से तैनाती है। इन लोगों को पहले ही कॉन्फिडेंस में लिया गया था, और ये कह दिया गया था कि इसको हटाया जाएगा।
नाजायज़ तजावुजात कह करके जो इलीगल एनक्रोचमेंट की बात सामने आ रही थी इसी मंदिर के लिए, तभी इसका कोर्ट ने ऑर्डर किया। आपको मैं बता दूं कि ये तमाम चीज़ें G20 से पहले से ही दिल्ली में चल रही हैं। अलावा उसके आपको ये भी ध्यान होगा, चाहे कई मज़ारों का तोड़ने का मामला हो, कई मंदिरों के तोड़ने का मामला हो, रोड के दोनों साइड्स के ऊपर दिल्ली के कई इलाकों में, कई ज़िलों में इस तरह की जो कार्रवाई है वो मुसलसल पिछले कुछ महीनों से जारी है। हमने आपको ये भी बताया था किस तरह से दूसरे कई इलाकों के अंदर जहाँ जहाँ मज़ार टूटे हैं, कई जगहों पर मंदिर टूटे, भजनपुरा रोड आपको याद होगा किस तरह से मेन भजनपुरा रोड पर हनुमान मंदिर था, प्राचीन हनुमान मंदिर, उसको और उसके बिल्कुल सामने जो बना हुआ मज़ार था चांद बाबा का मज़ार, वो भी तोड़ा गया था। इसी तरीके से कई और दूसरे मकामात पर भी मज़ार और मंदिरों को तोड़ा गया था, उनको हटाया गया था कोर्ट के ऑर्डर के बाद। इलीगल इनक्रोचमेंट, नाजायज़ तजावुजात मानते हुए उनको पूरी तरह से हटाया गया था। और यहाँ के कई श्रद्धालु जो यहाँ मंदिर में पूजा करने वाले लोग हैं, क्या नाम है आपका? गौरव भारद्वाज। गौरव, क्या हुआ है ये पूरा एग्जैक्ट मामला, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर से पहले क्या आप लोगों से बात की थी रिलीजियस कमेटी की तरफ से? ऐसा कुछ नहीं था कि भाई मंदिर टूटेगा, ऐसा कुछ नहीं था। ये था कि हाँ, ये इधर गौशाला थी तो उसके लिए नोटिस इन्होंने भेजा था, ठीक है, कि भाई इसको हटा लो। वो भी उसको भी 6 महीने हो गए वो हटाए हुए, तो जैसे जैसे इसकी गौशाला वगैरह यहाँ पे बनी हुई थी अपनी अपनी गाय सब ने हटा ली थी, लेकिन ये नहीं था कि भाई मंदिर तोड़ा जाएगा। ये तो आज सुबह अपने आप ही 8 बजे के आसपास आए हैं, 7:30-8 बजे के आसपास, जब से ही अपने आप ही अचानक ही कर रहे हैं। अगर ये हमें पता होता तो हम अपनी मूर्तियाँ वगैरह जो है पहले ही हटा लेते। तो मूर्तियाँ वगैरह हटाई नहीं गई क्या? अभी आधी हटी, आधी अभी है, अभी आधी अभी हैगी वहाँ पर। तो पुजारी जी अंदर है? सब पंडित जी अंदर नहीं है, पुजारी जी अपने घर पर रहते हैं, जैसे किसी का करावल नगर में किसी का कहीं है तो वो यहाँ पे सुबह शाम पूजा करने के लिए आते हैं। ये कितना पुराना मंदिर है और आप कब से यहाँ आते जाते हैं? ये जी अभी मैं 35-36 साल के आसपास का हूँ, जब से मैं पैदा हूँ जब से देख रहा हूँ। ये लगा लीजिए, आप सोच सकते हैं कितना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। देखो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, इसलिए आप सर मेरी बात जो कर रहे हो वो ठीक है, मगर इस हिसाब से बोल भी नहीं सकता हूँ, जितना कर सकते हो वो कर रहे हैं। हम भी तो यहाँ पे आते हैं अपने यहाँ पर काम के लिए, इसके लिए आते हैं। बोलो बेटा, हम तो बस यहीं पर ही आते हैं, सुबह यहाँ पे योग वगैरह होती है, करीब 45-50 साल से योगा हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए लोग बाग आते थे। 50 साल के आसपास हो गए, 50 साल से ऊपर ही हो गए मंदिर बने हुए। हाँ अच्छा, हम सब 66 से रह रहे हैं। आप 66 से 1966 से यहाँ रह रहे हैं? 66 से रह रहे हैं और ये मंदिर जो है मतलब 50 साल से हम भी देख रहे हैं। और ये 66 से इन्होंने बताया कि ये कोर्ट का ऑर्डर है और इलीगल बना हुआ है, इस तरीके की बात नहीं, इलीगल नहीं है, ये बहुत पुराना मंदिर है, आज का नहीं है, बहुत पुराना मंदिर है। मैं दिखा दूं आपको बुलडोजर जिस तरफ ये जमुना खादर की तरफ जहां जा रहा है, पीछे तक कई बुलडोजर, ये जेसीबी मशीन वगैरह बुला करके आज बुलडोज किया गया, इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और अब तक तकरीबन 5.5 घंटे हो चुके हैं। जमुना के किनारे बना हुआ ये मंदिर अभी भी लगातार डिमोलिश किया जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है। ये बताते हैं कि यहाँ गौशाला भी है, उसको हटाने की बात पहले की गई थी लेकिन अचानक से मंदिर के ऊपर ऐसा हुआ। तो आप लोगों ने किसी तरीके की कोई प्रोटेक्शन या स्टे वगैरह का मूवमेंट नहीं? अचानक आया ना ये, हमें पता ही नहीं है, अचानक है कि क्या होने वाला है। गौशाला का पता था तो गौए जितने थी वो पहले हटा दी थी हमने, लेकिन इसके लिए कोई हमें वो था ही नहीं। या तो हमें पता होता, सुबह 7-7:30 बजे अपने आप आते हैं और आकर के तोड़ना स्टार्ट कर देते। तो गौशाला थी, थोड़ा सा आगे जाकर के इसको मैं चाहूँगा कि बनाएं, दिखाएं आप लोगों को। ये तमाम गौशाला थी, ये जो गाय होती हैं उनका पीने के पानी की ये आप हौदी देखिए, ये सब पहले ही हटा दी गई थी। लेकिन बताया गया कि गौशाला हो या फिर साथ में बना हुआ श्री खाटू श्याम महाराज का, खाटू श्याम जी का मंदिर था, शिव जी का मंदिर था, काफ़ी सारे मंदिर थे यहाँ पे, हनुमान जी का मंदिर था, काफी सारे मंदिर बने हुए थे और करीब 4-5 मंदिर थे यहाँ पे। बहरहाल देखने वाली बात यही है कि कल तक जो मंदिर मजार मस्जिद जो है वो लीगल होती है, वो अचानक फिर इलीगल कैसे हो जाती है और फिर इतना टाइम तक किस तरह से ये सब कुछ चलता रहा था। प्रशासन के ऊपर भी अगर ये बात कही जाए कि जब ये मंदिर बन रहा होता है, जिस वक्त में मस्जिद मजार बन रहा होता है, तब कहाँ होता है प्रशासन, तब कहाँ होती है पुलिस, और जब बनने क्यों दिया जाता है? ये तमाम लोग यहाँ खड़े हुए अंदर जाने के लिए, लेकिन इनको किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। इन लोगों को पूरी तरीके से पुलिस ने यहाँ रोक रखा है। मैं आपको दिखा दूँ, ये वज्र वाहन आपको आपके स्क्रीन्स पर दिखाई देगा, वाटर कैनन यहाँ पहले से मंगाए गए हैं, टियर शेल्स वगैरह लेकर के जवानों की पूरी तैयारी थी। ये पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर आपको खड़ी दिख रही हैं,
पैरामिलिट्री फोर्सेस की, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ की ये जो बसेज आपको नज़र आ रही हैं, ये तमाम बसेज में भर के सुबह ही से जवानों को यहाँ लाया गया था, तैनात किया गया था, और अभी तक ये जो सिलसिला है वो मुसलसल जारी है। कई जिम्मेदार लोग हैं यहाँ मंदिर के, कुछ लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की गई थी, किस तरीके से ये सब एकदम अचानक से ला के बुलडोज कर दिया गया सर, तो पता ही नहीं लगा लोगों को, अभी पता लगा है जब ये थोड़ा गया। कोई नोटिस दिया होगा, किसी तरह किसी से बात की होगी, तो मंदिर वाले जो है उन्हें पता होगा कि भाई इसमें नोटिस दिया गया है या नहीं दिया गया, लेकिन हम लोगों को तो अभी पता लगा है कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। आप आते थे यहाँ मंदिर? हम लोग हाँ मंदिर तो आते हैं, मार्केट में है, मंदिर क्यों नहीं आएंगे, मंदिर आएंगे तो पूजा अर्चना तो करेंगे। तो कितना पुराना लगभग ये है? लगभग हो गया इनको 21 साल हो गया मंदिरों को। लेकिन कल तक लीगल और अचानक अगले दिन इलीगल जो हो जाता है, ये किस तरह का चल रहा है प्रोसेस? भाई आजकल सरकार के आगे कुछ रह सकता है? अगर सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, और वो ना चाहे तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इतने अंदर जाकर आड़ में बना हुआ मंदिर है, कोई रोड पे नहीं है, जैसे और जगहों पे हमने देखा मंदिर मजार वहाँ तोड़े गए जो रोड पे थे, ये इतना अंदर बना हुआ इसको तोड़ना है अचानक, तो इसका समझ नहीं आ रहा। देखो सरकार की कोई ना कोई पॉलिसी होगी जो यहाँ कुछ ना कुछ करते होंगे नदी किनारे, और जो सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर है उस हिसाब से ये चल रहे हैं, ये कहते हैं, बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसके हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ जैसे मैंने कहा ना, जाते जाते सवाल एक मरतबा फिर से वही करूँगा कि आखिर जो कल तक लीगल होता है, जहाँ लोग श्रद्धालु जहाँ होते हैं, जिनके सबके धार्मिक जज्बात लोगों के जुड़ जाते हैं, सेंटिमेंट्स जुड़े हुए होते हैं, वो जगह अचानक कैसे फिर इलीगल हो जाती है, वो जगह अचानक कैसे फिर गैरकानूनी हो जाती है। आप लोग हमारे साथ इस वक्त गांधीनगर इलाके से जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।